जिले के रुदौलिया क्षेत्र स्थित ग्राम पूरे कथिक से शिवनगर चौराहे की पिछले दो वर्षों से मांग पूर्ण रूप से बाधित है। मार्ग पर बड़े बड़े रोड़े पड़े होने से कई वृद्ध व छोटे ननिहाल गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। यह सड़क क्षेत्र के लगभग दर्जनों गांवों को जोड़ती है। इसी मार्ग से होकर बगल शिवनगर चौराहे पर बाजार व छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए बाध्य होते हैं और एक प्रसिद्ध स्थान बाबा श्री खाकी दास धाम पर जाने के लिए यही एक मुख्य मार्ग है। यह सड़क कई सालों से पूर्ण रूप से बाधित होने की वजह से कई लोगों ने इसकी उच्च अधिकारी से शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई न होने से लोगों ने आज भाकियू जिला सचिव भोला सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। श्री सिंह ने प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर आरोप लगाते हुए कहा, इस सड़क में ठेकेदार व जिम्मेदार लोगों द्वारा खूब जमकर बंदर बांट किया गया और खामियाजा ग्राम व क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। किसान नेता भोला सिंह ने कहा, अगर जल्द से जल्द इस सड़क का पूर्ण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य अविलंब नहीं शुरू किया गया तो वोट का बहिष्कार करेंगे, तहसील व जिले पर घेराव करेंगे। आज लगभग गांव के सैकड़ों लोगों ने प्रशासन व ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी, आप जो है यहाँ पे इस तरीके से क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शिवनगर चौराहा से पूरे कथिक के लिए जो है 1 किलोमीटर की लगभग है, वो भी 700 मीटर तक का ही बनने का हुआ है। 2 साल हो गए और बड़े बड़े रोड़ा ला के डाल दिया गया है और माननीय SDM महोदय ज्योति सिंह द्वारा जांच की गई तो उस पर मट्टी डाली जा रही थी, उस पर उन्होंने रोक लगा दिया, उसकी जांच शुरू हुई। आज 2 साल हुआ भी जांच का कुछ पता नहीं चला। बड़ी बड़ी जाँचें जो है विद इन टाइम में बहुत कम समय में हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं सुना था जाते, और इसमें बड़े बड़े लड़के छोटे बच्चे सब लोग चोटिल हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए अगर इसको अविलंब नहीं बनाया गया तो आने वाले चुनाव में हम लोग बहिष्कार करेंगे और जो है हम लोग धरने पर भी बैठेंगे, अनशन भी करेंगे। इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों से भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई बात संज्ञान में नहीं लिया है। इसलिए हम लोग बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं कि यह कार्य होना चाहिए अविलंब, नहीं तो आगे चल करके बहुत बड़ी संघर्ष हम लोग करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल कटिबद्ध हैं।